हेलो एवरीवन, लेयर थ्री एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू लर्न वोकेबलरी, वोकेबलरी को कैसे याद करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमको समझ में नहीं आता है कि वोकेबलरी कैसे याद करना है। और ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों के 2 से 3 साल निकल चुके हैं और आज भी उनका यही प्रश्न है और प्रश्न ख़त्म नहीं होता है कि सर वोकेबलरी याद कैसे याद करें। तो आज वो दिन आ गया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू लर्न वोकेबलरी इन वेरी इजी वे, बहुत ही इजी वे में आप वोकेबलरी को याद कर सकते हैं। उसके लिए बस कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा मन बनाना पड़ेगा, आराम से आप वोकेबलरी याद कर सकते हैं। अब आज मैं आपको ज़्यादा नहीं, केवल 2 वर्ड बताऊंगा, लेकिन उन 2 वर्ड्स के अंदर हम कम से कम 20 से 25 वर्ड सीख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने है वो है गुलेबल। ठीक है, गुलेबल जो है ये एक एडजेक्टिव है। अब ये भी पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो होता है, अब देसी लैंग्वेज में बताता हूँ मैं, यूँ इंग्लिश में बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। एडजेक्टिव जो होता है ना, वो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए कि मेरी क्वालिटी, अब मैं कैसा आदमी हूँ, है ना, मैं कनिंग हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं डिसऑनेस्ट हूँ, है ना, ये सारे जो वर्ड मैंने बोले ये सारे वर्ड हैं एडजेक्टिव, है ना। जैसे मान लीजिए 2 वर्ड आपके सामने आ जाते हैं। पहला वर्ड आपके सामने आ जाता है ब्यूटी। ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने लिखा हुआ ब्यूटी, है ना, मैं बोलता हूँ और यहाँ पर लिखा जाता है आपके सामने। एक आ गया ब्यूटी और एक आपके सामने आ गया यहाँ पे ब्यूटीफुल। ठीक है, अब आपको ये पहचानना है कि इन दोनों में एडजेक्टिव कौन सा है। तो एडजेक्टिव को पहचाने कैसे, तो एडजेक्टिव को ऐसे पहचानेंगे अपन, आई एम ब्यूटी, मेरे बारे में बताना है ना, तो आई एम ब्यूटी नहीं, आई एम ब्यूटीफुल, तो आई एम ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब मेरे बारे में बता रहा हूँ मैं। तो ये जो ब्यूटीफुल है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। बोलो समझ में आया। अच्छा, ब्यूटी क्या है, माय ब्यूटी, है ना, माय से सेट हो रहा है ब्यूटी, तो ब्यूटी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो माय ब्यूटी मतलब ब्यूटी आपका नाउन हो गया, और आई एम ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। उसी प्रकार से ये जो गुलेबल है ये आपका एडजेक्टिव है। गुलेबल का मतलब होता है ईजिली परसुएडेड टू बिलीव, मतलब कि किसी को हम इजीली परसुएटेड कर सकते हैं बिलीव करने के लिए। बिलीव करने के लिए मतलब विश्वास करने के लिए। जैसे अपनी लैंग्वेज में समझे, कोई भी एक छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत ही क्या होता है, गुलेबल होता है। कैसे, मैं उसको के बेटा इधर आ, चॉकलेट खाएगा, बोले हाँ खाऊंगा, चल मेरे साथ, तो वो मेरे साथ में हो जाता है। वो ये भी नहीं देखता है कि ये कौन इंसान है, इसको मैं नहीं जानता हूँ। तो वो जो बच्चा होता है उसको हम इजीली परसुएट कर सकते हैं। परसुएट का मतलब उसको बहला सकते हैं, उसको फुसला सकते हैं। तो एक वर्ड तो आपका गुलेबल हो गया। गुलेबल का मतलब हो गया क्या, गुलेबल का मतलब हो गया मासूम। दूसरा वर्ड हो गया आपका परसुएट। परसुएट एक वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी को बहलाना, फुसलाना या किसी भी काम के लिए मना लेना। टू बिलीव, किसी भी चीज़ पे बिलीव करने के लिए, तो ऐसे आदमी को हम क्या बोलेंगे, गुलेबल। और गुलेबल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए गुलेबल का मतलब होता है मासूम, तो मैं मासूम हूँ, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और मेरी मासूमियत, तो ये जो गुलेबल होगा इसका जो नाउन होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो नाउन है वो है गुलेबिलिटी। गुलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मासूमियत, है ना। तो ये जो गुलेबिलिटी है ये इसका नाउन है, और गुलेबल जो है ये एक एडजेक्टिव है। तो ये चीज़ें भी हमको समझना जरूरी है, ठीक है। आगे एक और लिखा हुआ है कि क्रेडुलस, ये वर्ड बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्रेडुलस का मतलब क्या होता है। तो क्रेडुलस का मतलब होता है मासूम, जो आदमी बहुत ही मासूम होता है। तो बताइए, 3 वर्ड आपको मैंने याद करा दिए। पहला गुलेबल, गुलेबल का मतलब होता है मासूम। परसुएट का मतलब होता है किसी को मनाना, बहलाना या फुसलाना। क्रेडुलस का मतलब होता है मासूम। बोलो इसमें कोई समस्या। एक और चीज, गुलेबिलिटी, गुलेबिलिटी आपका क्या हो जाता है, गुलेबिलिटी आपका हो जाता है ना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ाते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, अब आपके सामने जो है इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपके सामने आ जाता है सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम क्या क्या है, तो सिनोनिम में सबसे पहला है आपका क्रेडुलस। ठीक है, क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, क्रेडुलस का मतलब मासूम होता है। इसके अलावा अगला है देखिए आपका नेव, इसमें 2 बिंदियां लगी हुई होती है, ये 2 बिंदियां कंपनी से ही रहती है इसमें, तो क्रेडुलस तो आपको पता चल गया। इसके अलावा आपका नेव हो गया, नेव का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही मासूम होता है। इसके अलावा आपका देखिए इनोसेंट, जो बहुत ही इनोसेंट टाइप का होता है। इनोसेंट मतलब पता ही है आपको, है ना, जैसे आई एम वेरी इनोसेंट, मैं बहुत मासूम हूँ, है कि नहीं। इसके अलावा देखिए ट्रस्टफुल, जिसके ऊपर कोई भी ट्रस्ट कर सकता है, ट्रस्ट फुल, है ना, मतलब जिसके ऊपर हम फुल फाट ट्रस्ट कर सकते हैं। फुल फाट मतलब जैसे फुल अपनी तरफ से, फाट सामने वाले की तरफ से, है ना, जैसे अपने इधर ऐसे लॉजिक चलता है, जैसे काला ढुस,
तो ये ढूस क्या है, बस फीलिंग है ना। जैसे मान लो ये जो हम लोग हमारे देसी लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो उसका एक आनंद भी होता है ना। जैसे खड़ी बोली में बात कर रहे हैं, कहीं मान लो आप लड़का देखने गए साहब, तो लड़की वाले आए, अब वो बातचीत कर रहे हैं कि लड़का बहुत काला है, अब बोल मजा आया नहीं आया। लेकिन जब हम अपन सब एक जैसे ही हैं तो अपन बात करने बैठते हैं, अरे बाप छोरो छोरो तो कारो ढूस, तो वो जो ढूस आता है ना उसका फीलिंग आता अंदर से, है ना। तो उसी टाइप से ट्रस्टफुल, ठीक है। डिसीवेबल, डिसीवेबल का मतलब क्या होता है, जिसको कोई भी डिसीव कर सकता है, मतलब कोई भी जिसको धोखा दे सकता है, इसको बोलते हैं हम डिसीवेबल। अगला है चाइल्ड लाइक, मतलब कि लाइक अ चाइल्ड, एक जो बच्चे के जैसा होता है, एक छोटा सा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड लाइक। आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसका जो idiom है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका idiom क्या है। देखिए इसका जो idioms है वो है डेवी आइट और वाइड आइट, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा, ये मुहावरे कभी जैसे कि हमारे मुहावरे आते हैं तो वो इसी का है, डेवी आइट या वाइड आइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही मासूम, जो बहुत ही वाइड आई का होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं मासूम। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके एंटोनिम की, है ना। तो इसके जो एंटोनिम है वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला वर्ड है क्रिटिकल, एक तो जो बहुत ही इनोसेंट होता है और दूसरा बेचारा जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है ना, तो क्रिटिकल हो गया आपका। क्रिटिकल के आगे बात करते हैं सस्पिशियस, जो संदेहास्पद होता है, जो बहुत ही जैसे एक तो मासूम है, उसको बोल दिया कि चल बेटा मेरे साथ चल रहा है, चल सन्यासी मंदिर में, बोले कि चलो, तो ये क्या हो गया, ये गुलेबल हो गया। और एक उस सन्यासी ने कह दिया भैया आप कौन, है ना, मैं नहीं पहचानता आपको, मैं नहीं चल रहा है, 50 बात करता है, तो वो आदमी क्या है, सस्पिशियस। अगला वर्ड है आपका वेरी, ठीक है। वेरी का मतलब भी सेम ही होता है, वेरी का मतलब क्या हो जाता है, जो बहुत ही एक तरह से सोफिस्टिकेटेड होता है। ये वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, ये देखिए ये जो वर्ड है ना आपका सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही चालाक होता है ना, ये देखिए ये श्रूड जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है चालाक। इसके अलावा स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब भी जो है चालाक होता है, मतलब कुल मिला के वो मासूम है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये थोड़ा सा सस्पिशियस है, ये थोड़ा सा वेरी है, ये थोड़ा सा स्केप्टिकल है, ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, ये थोड़ा सा श्रूड है। श्रूड का मतलब चालाक, और चालाक का जो idiom होता है, मुहावरा, वो होता है क्लियर साइटेड, जिसकी बिल्कुल जो क्लियर साइट रखता है बिल्कुल, है ना। जैसे कि अब अपन बड़े हो गए तो अब अपन बहुत होशियार हो गए। अभी मान लो मेरे पास कोई आए कि सर चॉकलेट खाओगे, मैंने कहा खा लूँगा, तो कि चलो मेरे साथ बाजार में दिलाऊँगा, मैंने कहा मैं लेऊँगा, तू दिमाग ख़राब मत कर, क्योंकि मैं क्लियर साइटेड हूँ, मेरे को मालूम है ये नाटक कर रहा है बिना काम से। अगला वर्ड है आपका क्लियर आइड, जिसकी जो आई होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, क्लियर होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है आपका एंटोनिम हो गया किसका, चालाक का। बोलो बात समझ में आई। एक बार शॉर्ट रिविज़न ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं अपन और थोड़ा सा शॉर्ट रिविज़न इसका ले लेते हैं। देखिए अब हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा, गुलीबल, गुलीबल इज एन एडजेक्टिव, गुलीबल एक एडजेक्टिव है। गुलीबल का मतलब क्या होता है, तो कि इजीली परसुएटेड टू बिलीव, जिसको हम आसानी से मना सकते हैं समथिंग, है ना, बिलीव समथिंग। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब मासूम। गुलीबिलिटी आपका नाउन हो गया। थोड़ा सा और अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें देखिए इसके सिनोनिम, सिनोनिम आपके क्रेडुलस, नेव, इनोसेंट, ट्रस्टफुल, डिसीवेबल और चाइल्ड लाइक, ठीक है साहब। आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा idiom देख लेते हैं इसके। इसके जो idiom है वो deviate या wide-eyed। इसके बाद इसके हम देख लेते हैं antonym, इसके antonym क्या क्या है। critical, थोड़ा सा जो critical होता है, suspicious होता है, wary होता है, skeptical होता है, sophisticated होता है, shrewd होता है, या फिर clear-sighted होता है, या फिर clear-eyed होता है। अब देखिए vocabulary को कैसे याद करें, तो vocabulary को अगर याद करना है तो एक एक वर्ड याद नहीं करना है, आपको क्या करना है कि वो वर्ड ले लो और उस वर्ड के जितने भी एंटोनिम, सिनोनिम, उसके idiom, उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी हैं, सारे अपने को एक साथ याद करना है, ठीक है। एक और वर्ड आपको मैं फटाफट बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा अपन ऊपर करते हैं। देखिए थोड़ा सा अभी क्या है, वो नया नया है ना, तो देखिए एगोग, एगोग का मतलब क्या होता है। एगोग जो है वो एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। एगोग का मतलब होता है हु इज वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, जो किसी भी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी शादी होने वाली है, अब आप अपनी शादी को लेके जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि आई एम ऑल एगोग टू माई मैरिज। जैसे आप किसी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो आपको, आप उसको बोलेंगे कि, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कि आई एम ऑल एगोग, All ago to see you। ये देखो लिखा गया ना,
तो आई एम ऑल एगो टू सी यू, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो एगो का मतलब होता है एक्साइटेड, ठीक है। और देखिए, हैविंग और शोविंग साइन ऑफ ईगरली अवेटिंग समथिंग, मतलब जैसे कि अपन ने देखा होगा जैसे घर में क्या होता है, मान लो जैसे कि आज हमारे जो है बोर्ड लेके आए साहब, तो इसके लिए मैं जैसे कि घर वालों को पता चल जाता है कि बड़ा मज़ा आ रहा है इसके, क्योंकि आज जो है भैया नया बोर्ड आएगा, अब नया बोर्ड आएगा तो सुबह से बार बार बाहर जाता आदमी, क्या वो आया कि नहीं आया, क्या वो आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब कि हैविंग और शोविंग, मतलब इसके चेहरे पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साइन ऑफ ईगरली अवेटिंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा तहे दिल से वेट कर रहा है आदमी कि यार मेरा जो है बोर्ड कब आएगा, है ना, कब मैं उस पर पढ़ाऊँगा, है ना, मेरे को बड़ा मज़ा आएगा, है ना। जैसे कि कल साहब हमारे एसी लगाया, तो वो एसी वाला जो है वो 3 घंटे में आया, तो मैं जो है बार बार बाहर जा जा के देख रहा, तो घर वालों को पता तो चल जाता है कि यार ये आदमी बार बार आज बाहर क्यों जा रहा है, तो कभी ज़िंदगी में बाहर ही नहीं जाता है। तो वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एगोग है, बहुत ज़्यादा क्या है, वो एक्साइटेड है, है ना। एक्साइटेड मतलब हैविंग और शोविंग साइंस ऑफ ईगरली अवेटिंग समथिंग, किसी चीज़ का बहुत तहे दिल से वेट कर रहा है। बोलो, बात समझ में आ गई। जैसे अभी साहब लॉकडाउन हो गया, अब बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली थी, तो पिछले बहुत सारे, तो जैसे बहुत सारे सगाई 2-3 साल पहले हो जाती है, 1-8 साल पहले हो जाती है, अब वो बहुत ज़्यादा क्या थे, वो बहुत ज़्यादा अवेटेड थे किसी चीज़ को लेके, ये देखिए अवेटिंग समथिंग, बहुत ज़्यादा अवेटेड थे। अब हुआ क्या कि लॉकडाउन हो गया, अब जीव तो घबरा रहा अंदर से, पर यूँ कहना पड़ता है, हुआ ठीक है, अब अगले साल कर लेंगे, क्या करें, है ना। क्योंकि हमारे जो मिलने वाले थे तो उनके साथ ऐसा ही हुआ, मैंने पूछा, बोले अब सर क्या बताऊँ यार, है ना, तो ऐसा हो जाता है ना, वो वाली बात। अच्छा, घर वालों को सब पता चलता है कि भाई बेचैन है आदमी यार, है ना, कि कब जाके आए मेरे बेचैन दिल को करार, ऐसी वाली बात हो गई। अगला देखिए आप, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे अपन। शोविंग अर्जेंट डिज़ायर ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़, मतलब कि अर्जेंट डिज़ायर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब और इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ के प्रति पूरा भावुक हो जाना एकदम, है ना, डिज़ायर, फुलफिल डिज़ायर और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बिल्कुल उस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट पैदा हो जाना, तो वो होता है आपका एगो। इसके सिनोनिम देखो आप, पहला सिनोनिम इसका एनक्सियस। एनक्सियस का मतलब क्या होता है, आई एम वेरी एनक्सियस टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, है ना, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, वो एक गाना है। इसके अलावा अगला वर्ड है आपका ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। अगला वर्ड है आपका एक्साइटेड, एक्साइटेड तो आपको पता ही है। अगला वर्ड है आपका डिज़ायरस। डिज़ायरस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर, आपने एक गाड़ी सुनी होगी, मारुति स्विफ्ट अपने पास भी है ना, तो वो डिज़ायर, डिज़ायर मतलब बहुत इच्छा। अगला वर्ड आपके सामने है थर्स्टी, ये थर्टी लिख दिया लेकिन वो थर्स्टी है। थर्स्टी का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही प्यासा है ना, जैसे वो पिक्चर देखी होगी आपने, पुरानी पिक्चर आती थी कि प्यासी भूतनी, ऐसे वो भूतनी रहती थी, वो प्यासी रहती थी खून की, फिर वो खून पी जाती थी उसका, है ना, वो पुरानी पिक्चर ऐसी आती थी। जेलस, जो बहुत ही झील, जिसके अंदर बहुत ही उत्साह है। कीन, कीन का मतलब बिल्कुल किसी भी चीज़ को लेके कीन है ना, सबके सिनोनिम है। तो अगला वर्ड है फर्वेंट, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अगला वर्ड है ब्रेथलेस। ब्रेथलेस मतलब कि, मतलब यूँ समझ लो कि सांस, वो है ना एक गाना कि सांस में सांस मिली तो मुझे सांस आई, मतलब वो उसको चैन नहीं पड़ रहा है ना। अगला वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब भी क्या होता है, आर्डेंट का मतलब भी सेम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो इसमें ये वर्ड आप याद रख लेना, है ना। अब आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें देखिए एंटोनिम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंटोनिम। एंटोनिम्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। इनक्यूरियस, आदमी क्यूरियस ही नहीं यार, बैठा है चुपचाप उसके, हाँ ठीक है यार, है ना। मतलब जब उसके जीवन में क्या होता है कि कुछ, जैसे बहुत सारी बार क्या होता है कि जैसे ये अब वीडियो है ना, अब वीडियो है तो अब क्या होगा कि कोई लोग होंगे इसको डिसलाइक करेंगे, वो उनको लाइक है, पसंद आ रहा है, पढ़ भी पूरा रहे, लिखेंगे एक एक शब्द लिखेंगे, है ना। जो लोग लाइक करते हैं ना वो तो और बस देख लेते हैं मस्ती में, लेकिन वो एक एक वर्ड भी लिखेंगे, एक नहीं छोड़ेंगे इसका ना, उसके बाद में आखिरी में क्या डिसलाइक करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जीवन में खुशी चाहिए ही नहीं। लेकिन जब हम किसी का जैसे डिसलाइक करते ना, तो हमारी धीरे धीरे आदत पड़ने लग जाती है ऐसी डिसलाइक करने की, है ना। हाँ, वो एक बात अलग है, जैसे आप पॉजिटिव हो, किसी के मजे लेने के लिए डिसलाइक कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। पर मान लो आप यूं ही अपटा के डिसलाइक कर रहे हो, तो अपन फिर ऐसे ही हो जाते हैं, फिर अपने को कोई खुशी नहीं दिखती है। तो ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे, जो किस टाइप के होते हैं, इनक्यूरियस, उनके जीवन में कोई क्यूरियसनेस नहीं होती है, एक्साइटमेंट ही नहीं रहता है, है ना। इम्पैसिव मतलब कि वो बिल्कुल इम्पैसिव रहते हैं, है ना, निष्क्रिय जीवन हो जाता है उनका, कोई मतलब नहीं है। डिटैच्ड, जैसे कि हम अटैच्ड होते हैं,
है ना, कहीं जाते हैं तो बिल्कुल उस चीज़ से अटैच हो जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं तो कहीं पे खाना खाते हैं बिल्कुल अपन अटैच हो जाते हैं। एक वो है जो बिल्कुल डिटैच्ड है, जहाँ देखो जहाँ नमक ढूंढता फिर, नमक कहाँ है, नमक कहाँ है, अरे यूँ ही खा ले हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं वहाँ पर, मतलब खाने की खाओ, पर वो नमक नहीं है, नहीं इसमें मिर्ची नहीं, वहाँ पे भी फालतू नाटक करता रहता हो। तो वो कैसे आदमी होते हैं, वो डिटेच्ड होते हैं। हम तो भले जैसा भी होता है खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेचारे पहले तो शादी में जा रहे हैं, है ना, वो वाली बात। अगला वर्ड है स्टॉलिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एपेथेटिक, एपेथेटिक का मतलब होता है जिसका जीवन जो है वो उदास, पूरा उदासीनता, जिसके जीवन में फुल फाट उदासीनता है। अनएंथुसियास्टिक, जो किसी भी चीज़ को लेकर बिल्कुल एंथुसियास्टिक ही नहीं है। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साही, और अनएंथुसियास्टिक का मतलब होता है अनुत्साही, जिसके अंदर निरुत्साही, है ना, हिंदी थोड़ी कमजोर है। लुक फॉरवर्ड टू, मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में, लुक फॉरवर्ड टू दैट मीन्स व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर, जब आप फ्यूचर में किसी भी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हैं, जैसे कि आज हमारे बोर्ड आने वाला था तो हम बड़े एक्साइटेड थे कि कब आएगा, कल हमारे एसी लगने वाला था तो हम बड़े एक्साइटेड थे कि कब लगेगा, और ये सब हमने आपके लिए लगाया है। ये जो ठंडी हवा आ रही ना इधर से, ये इसलिए आ रही है, हमको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको बेहतरीन पढ़ाने के लिए, कोई भी टीचर आएगा ना तो वो जब ठंडी ठंडी हवा आएगी तो उसके अंदर से बिल्कुल फीलिंग आएगी, तो फीलिंग आनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको अपन, लुक फॉरवर्ड टू। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि आई लुक फॉरवर्ड टू यू, इसमें ऑप्शन आते हैं आपका एक तो सी, दूसरा है सिंग, तीसरा है सो, चौथा है सीन। तो अपना जो सही जवाब इसमें होगा ना, बहुत सारे लोग इसमें क्या है कि सी को लगा देते हैं, लेकिन अपना जो सही जवाब होगा वो होगा आपका क्या, सिंक। सिंक क्यों होगा, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के बाद में जो वर्ब आती है उसमें जीरंड आता है, यहाँ पे क्या आता है, जीरंड। जीरंड का मतलब क्या होता है, जिसमें जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है। बोलो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा जो लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देसी भाषा में, 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं, तो वो हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप आराम से देखिए, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। वहाँ पे हमने डेमो भी दे रखा है ना, तो नीचे आप जाके डेमो देखिए, और डेमो देखने के बाद में फिर हमको बताइए कि कैसा है। इसके अलावा आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देते हैं, कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 9977651282, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।